ओके स्टूडेंट्स ये हमारे पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज पेज नंबर 73 पे प्रॉब्लम नंबर 2.67 है ठीक है तो ये दो पार्ट्स में गिवन है फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं हाउ मेनी सबशेल्स आर एसोसिएटेड विद एन इक्वल टू फोर ठीक है आपके पास एन मतलब ऑर्बिट दिया हुआ है एन इक्वल टू फोर ठीक है आप में आपसे पूछा गया है कि कितने सबशेल्स जो हैं इसमें एग्जिस्ट करेंगे सबशेल शेल मीन्स कि इसमें ऑर्बिटल्स की बात की हुई है ठीक है अब आप लिख सकते हो कि एन की वैल्यू अगर फोर आती है तो एल की वैल्यू जो है वो जीरो टू एन माइनस वन आएगी डन तो जीरो टू एन माइनस वन का मतलब क्या है जीरो टू एन मतलब फोर माइनस वन सो इट विल बी जीरो टू थ्री आ गई ठीक है आप लिख लो जीरो वन टू थ्री अब एल के अकॉर्डिंगली अगर मेरे पास एल की वैल्यूज की बनाए जीरो वन टू थ्री तो ऑर्बिटल कौन कौन सी हो सकती है इसमें ऑर्बिटल जीरो के विद रेस्पेक्ट एस होगी वन के पी डी एंड लास्ट एफ ठीक है तो हमारे पास एन इक्वल टू फोर दिया हुआ है तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास मेनली फोर सबशेल्स जो हैं, वो एग्जिस्ट करेंगे तो फोर सबशेल कौन कौन से कह सकते हो आप ठीक है फर्स्ट आपके पास फोर एस एग्जिस्ट करेगा नेक्स्ट फोर पी फिर फोर डी एंड लास्ट वन फोर एफ एग्जिस्ट करेगा क्लियर है नाउ आर सेइंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी ट इन दी सबसे वैल्यू ऑफ हाफ फॉर एन इक्वल टू फोर नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है? कि आपके पास ये जो सबसे कर रहे हैं ठीक है uh, इनमें बताओ कि माइनस हाफ जो uh, आपके पास एमएस की वैल्यू है वो किन किन इलेक्ट्रॉन्स की आएगी फर्स्ट ऑफ ऑल हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इक्वल टू फोर मस्ट बी हम क्या कह सकते हैं टू एन का स्केयर ठीक है अब टू एन का स्केयर क्या हो गया फोर का स्केयर कर दोगे आप सो टू इन टू सिक्सटीन दैट मीन्स थर्टी टू अब थर्टी टू इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहे हैं ये भी मैं बता देती हूँ फोर एस के विद रिस्पेक्ट कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे टू आएंगे सो वन एंड टू फोर पी में कितने आएंगे सिक्स आएंगे सो so सिक्स कैसे होंगे ये इसमें आप टू फिल कर दो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सो आपने सिक्स ऐड कर दिए फोर डी में कितने आएंगे फोर डी में आपके पास टेन इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस सो दस इसमें आगे एंड फोर एफ में आपके पास फोर्टीन इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर प्लस सिक्स दैट मीन थर्टी थर्टी प्लस टू थर्टी टू अब इसमें एक चीज देखनी है हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग होती है ठीक है तो उसमें एमएस की वैल्यू मतलब कि स्पिन की वैल्यू जो है एक इलेक्ट्रॉन की प्लस हाफ आती है ठीक है एक इलेक्ट्रॉन की माइनस हाफ आती है सभी में ऐसे चलेगा प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ तो हम ये कह सकते हैं कि 32 इलेक्ट्रॉन में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग माइनस हाफ स्पिन फॉर n equal to 4 will be 32 ka half kit naoga 16. So you can write 16 over here.